सीएम बनने के बाद से योगी बीजेपी के पोस्टर बॉय बने हुए हैं। गुजरात से हिमाचल और त्रिपुरा से कर्नाटक तक उन्होंने दौड़ लगाई, निकाय चुनाव में भी खूब प्रचार किया और जीत का परचम लहराया। लेकिन इस बार दांव पर उनकी साख है और इसे बचाने के लिए उन्होंने किलेबंदी करना शुरू कर दिया है। गोरखपुर उपचुनाव में प्रचार की कमान सीएम योगी ने संभाल ली है। फिलहाल तो योगी ने दो दिन के लिए गोरखपुर में डेरा डाल दिया है। घर बचाने के लिए योगी की किलेबंदी, गोरखपुर सीट पर खुद संभाला मोर्चा। सीएम योगी ने डाला गोरखपुर में डेरा। सीएम योगी अपनी कर्मभूमि गोरखपुर की लोकसभा सीट को बचाने के लिए एड़ी चोटी का शोर लगा रहे। 1989 के बाद से यह सीट गोरखपीठ के महंत के पास रही। 20 साल खुद योगी यहां से सांसद रहे। अब योगी के सीएम बनने के बाद यहां उपचुनाव हो रहा है। अब योगी बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में जनसभाएं कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश की पूरी बागडोर ही मेरे हाथों में दे करके उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में एक दायित्व तो मेरे ऊपर सौंपा है। स्वाभाविक रूप से विकास की जब बात होगी तो गोरखपुर उससे वंचित नहीं होगा, पिपराइच उससे वंचित नहीं होगा। सीएम योगी 27 फरवरी तक गोरखपुर में प्रचार करेंगे, जिनमें पिपराइच, पीपीगंज, गोरखपुर क्लब, सहजनवा जैसे इलाके शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए गोरखपुर उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल। हम लोगों ने प्रस्ताव किया कि श्री उपेंद्र दत्त शुक्ल भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष के साथ साथ एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में निरंतर कार्य करते रहे। सम विषम परिस्थितियों में वे संघर्ष करते रहे, कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहे, पद की कोई अभिलाषा नहीं रही। और ये सच है, एक भी बार सुपेंद्र दत्त शुक्ल जी ने मेरे पास इस बात को नहीं कहा कि मुझे भी चुनाव के लिए टिकट चाहिए। और उपेंद्र दत्त शुक्ला को मैंने स्वयं अपने प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच में भेजा है। विकास की उन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो वर्षों से आपकी तमन्ना है, जो यहां के हर चेहरे पर खुशहाली ला सके, यहां के नौजवानों को रोजगार दे सके, माताओं और बहनों के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त कर सके और प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी भी दे सके। गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव के अभियान में जुटे बूथ कार्यकर्ता समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में मुख्यमंत्री ने जोश भरा। उन्होंने उन्हें घर घर पहुंचकर लोगों से संपर्क करने और चुनाव अभियान से जोड़ने का आह्वान किया। पिपराई चीनी मिल समाजवादी पार्टी और पिछली सरकारों ने बेच डाली थी। वे बेचते थे, कांग्रेस बंद करवाती थी, हम लोग खुलवाने के लिए आए हैं, चलवाने के लिए आए हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी आए थे, गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना का शिलान्यास करके गए, एम्स का शिलान्यास करके गए। दोनों का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। और जब मैं गोरखपुर आया तो मैंने भी मुख्यमंत्री के रूप में गोरखपुर में बंद पड़ी पिपराइच की चीनी मिल का शिलान्यास का कार्य किया। और शिलान्यास ही नहीं किया, यहां पर गन्ना शोध संस्थान भी हम लोग देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीट के लिए मतदान 11 मार्च को होगा। चुनावों के परिणाम की घोषणा 14 मार्च को होगी। गोरखपुर सीट मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और फूलपुर सीट उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हुई। समाचार प्लस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।